Assalamu alaikum, I'm Maria Khan from amanat.com, and if you're new to this channel, I would like to welcome all our new subscribers, all our new viewers. On this channel, we talk about different real estate projects in Rawalpindi and Islamabad that we are marketing and selling as well. और आज के इस वीडियो में हम लोग ताज रेजिडेंशियल के एक टूर पे आपको लेके जाएंगे। ये एक डिटेल्ड टूर है, इसमें हम आपको उनके जो डेवलप सेक्टर्स हैं उसके बारे में डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, इसके मैप की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, इनके जो नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमें बहुत सी क्यूरीज इस तरह की आई थी कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि जो ताज रेजिडेंशियल के एंट्रेंसेज हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, और इसके एंट्रेंसेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे हमारे पास। वहाँ पर जो डेवलप सेक्टर्स हैं वो कितने डेवलप्ड है, कहाँ तक उनकी डेवलपमेंट स्टेटस उनका है, कहाँ तक उनकी डेवलपमेंट पहुँची है, ये तमाम डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में मेरे साथ मेरे टीम मेंबर वकास भी होंगे जो हमारे साथ इस टूर का हिस्सा बनेंगे और हमें वो फर्दर हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टूर। और मेरे साथ मौजूद हैं ताज रेजिडेंशियल के प्रोजेक्ट एक्सपर्ट मोहम्मद वकास, और उनसे हम लोग ताज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत नॉर्मल क्यूरीज हैं, बहुत से लोग पूछना चाहते हैं। तो वकास, सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि ताज के जो डेवलप सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं पहली बात, और उसमें कौन कौन से साइजेस के प्लॉट्स मौजूद हैं जहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, तो उसके बारे में। ताज में जब आप एक्सेस करते हैं I-14 से, जो इनकी अभी करंट एंट्रेंस है, तो वहाँ पे इनिशियली 4 ब्लॉक्स इनके वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हैं, पोजिशनेबल हैं। उसमें ट्यूलिप, लिली, ऑर्चिड एंड गार्डेनिया, ये 4 ब्लॉक्स हैं इनके जहाँ पे आप पोजिशनेबल प्लॉट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे परचेजिंग का जो हम आपको दोबारा भी बताएंगे पेमेंट प्लान का, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको जो भी प्लॉट्स हैं वो 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिल जाएंगे। 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप उसको अपनी पेमेंट क्लियर करके आप पोजीशन ले सकते हैं। और उसके अलावा इनके जो डेवलप सेक्टर्स हैं, डेवलप ब्लॉक्स हैं, उसमें जो जिन साइज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं उसके बारे में। इनिशियली पहला ब्लॉक है ट्यूलिप, उसमें 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल, ये 3 साइज़ अवेलेबल हैं। देन ट्यूलिप के बिल्कुल ऑपोजिट लिली ब्लॉक है, इसमें छोटी कटिंग्स अवेलेबल हैं, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला। जो इनका ब्लॉक है ऑर्चिड, वो उसमें सब बड़े प्लॉट्स हैं, कनाल, 2 कनाल और मिनिमम उसमें 10 मरला है। और फिर गार्डेनिया है जहाँ पे साइट ऑफिस है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी कटिंग्स मिल जाती हैं 5 मरला से लेके 2 कनाल तक। ये हम लोगों ने डेवलप सेक्टर्स के बारे में बात कर ली, अब आप मुझे इनके जो सेमी डेवलप सेक्टर्स हैं जो फुली डेवलप नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे हम लोगों को बताएं, हमारे व्यूअर्स को, कि कौन कौन से प्लॉट्स की कटिंग्स वहाँ पर मौजूद हैं और उनके नाम वगैरह कुछ सेमी डिटेल्स। टोटली ताज में 13 सेक्टर्स हैं जो कि इनके मास्टर प्लान पे NOC में अप्रूव्ड हैं। उनमें से 4 के बारे में हमने बता दिया, ये डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं। रिमेनिंग जो 9 ब्लॉक्स हैं ये सेमी डेवलप्ड हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट कटिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें ब्लॉक्स के नेम अगर लें तो रोज़, डेफोडिल, जीनिया, आयरिस, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो कि अभी सेमी डेवलप्ड हैं। और यहाँ पे जो आपको प्लान मिलेगा इंस्टॉलमेंट प्लान वो 2.5 ईयर का मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है, तो आपको थोड़ा एक्सटेंडेड प्लान मिल जाएगा। प्राइसेस दोनों में सेम हैं। अच्छा विकास, हम लोगों ने इनके जो डेवलप सेक्टर्स हैं, फिर इनके जो सेमी डेवलप सेक्टर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है। रिसेंटली इन्होंने अपने जो नए 2 सेक्टर्स लॉन्च किए हैं उसके बारे में व्यूअर्स को बताएं कि उनके तो नाम क्या है और कौन कौन से प्लॉट्स के, मतलब किस साइज के कटिंग्स वहाँ पे प्लॉट्स के मौजूद हैं इसके बारे में। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। हमें भी जो लीड्स मिल रही हैं उनमें मेन जो कंसर्न है, एक कन्फ्यूजन बनती है, वो यही कि एक सोसाइटी में 3 डिफरेंट पेमेंट प्लान्स क्यों हैं। तो पहले दोनों हमको आपको गाइड कर दिए कि पहले 4 ब्लॉक्स हैं वो डेवलप्ड हैं, इसलिए वहाँ पे 1.5 का है। देन सेमी डेवलप्ड हैं, डेवलपमेंट चल रही है, इसलिए वहाँ पे 2.5 ईयर का प्लान है। देन रिसेंटली 2 न्यू ब्लॉक्स लॉन्च किए गए हैं, उनमें एक है कॉस्मोस और दूसरा है ब्लू बेल। कॉस्मोस में कम्प्लीटली 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं, और ब्लू बेल जो अभी मंथ अगो लॉन्च किया गया है उसमें 5 मरला की कटिंग है। ये दोनों जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे बुकिंग आपकी 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे अवेलेबल है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो जो इनकी सेकंड लोकेशन है, अभी हम आपको लोकेशन का भी एक ओवरव्यू दिखाते हैं, बताते हैं, तो जो इनकी सेकंड लोकेशन है I-16 से, I-16 की लोकेशन के पास इन दोनों ब्लॉक्स की एग्जैक्ट लोकेशन है। विकास, मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी ताज रेजिडेंशियल की जो लोकेशन है, ठीक है, एक तो आप मुझे ये बताएं, व्यूअर्स को ये बताएं कि वो यूनिक किस तरह से है, और उसके अलावा हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं
वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं उसकी एंट्रेंसेस को लेकर, क्योंकि ताज रिलेशन की तीन डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं, ठीक है, और वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी, लेकिन आप स्पेसिफिकली इनको बताएं कि कहाँ कहाँ से इनके एंट्रेंसेज हैं, और उसके अलावा वो किस तरीके से यूनिक है, उसका जो यूनिक फीचर है, उसकी लोकेशन के बारे में। मेन यूनिक पॉइंट यही बनता है क्योंकि विद इन सिटी ये एक फ़ाइनल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है जो कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ से बेसिक अमेनिटीज़ शहर के तमाम जो मेन एरियाज़ हैं वो करीब हैं। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें तो जीटी रोड पे पॉइंट आता है गोलड़ा मोड़, जहाँ से लेफ़्ट पे इस्लामाबाद के चार सेक्टर्स हैं, I-14 से I-17 तक। I-14 to 16 के पैरेलल लोकेशन है ताज रेजिडेंशिया की, ये RDA की हदूद में आता है, RDA से अप्रूव्ड है, RDA की NOC है ताज रेजिडेंशिया के पास। अभी जो करंट एंट्रेंस है जहाँ से हम ताज को एक्सेस करते हैं वो I-14 से है। इन फ्यूचर जो इनकी दो एंट्रेंसेज मजीद अप्रूव्ड हैं वो I-16 से है, और थर्ड एंट्रेंस है जिसको गिरजा रोड या लाखू रोड कहा जाता है, वहाँ से इनकी थर्ड एंट्रेंस है जो कि रावलपिंडी के लिए हो जाएगी, और I-14-16 की एंट्रेंस आपको इस्लामाबाद में एक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद रहेगी। ये तो होगी लोकेशन के बारे में बात। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो मजीद कुछ क्वेश्चन थे व्यूअर्स ने मेरे से पूछे थे, तो ये है कि इनकी जो डेवलपमेंट है, जैसे कि इनकी जो फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करें, उसमें इनका जो पूरा मैप है, उसमें प्लान में इंक्लूडेड है कि यहाँ पे थीम पार्क्स होंगे, हॉस्पिटल है, मॉस्क है, सोशल सेंटर है, सेंटर्स 2 है, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इन लोगों ने प्रोवाइड कर ली, ठीक है? तो उसके बारे में बताएं कि उसमें से क्या क्या चीज़ें डेवलप हो गई हैं, अगर डेवलप हो भी नहीं तो फंक्शनल कौन सी हैं, नॉन फंक्शनल कौन सी हैं, और इसके बारे में। जो मास्टर प्लान में चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं ना, उनमें अगर हम पहले रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की बात करें तो हर ब्लॉक में एक मॉस्क, पार्क, एवरी 2 ब्लॉक्स के लिए एक स्कूल, ये तमाम चीज़ें रिज़र्व की गई हैं जो कि बेसिक अमेनिटीज़ में आती हैं। तो जो आपके इनिशियली 4 ब्लॉक्स हैं उनमें आप ड्रोन फुटेज में भी आपको दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं कि पार्क, मॉस्क, ओवरहेड टैंक, रोड, ये तमाम काम हो चुके हैं। जो कंसर्न्स हैं ना कि सेंटोरस 2 कब बनेगा और बाकी कमर्शियल्स, ये चीज़ें इनकी लैंड स्पेसिफाइड है, इनका ये मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है RDA की तरफ से, ठीक है, वो जगह भी ऑलमोस्ट 80% तक डेवलप हो चुकी है, और जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें कि वो सेंटोरस 2 को उसका काम स्टार्ट हो सकता है, अभी किया जा सकता है, लेकिन टोटली वो डिपेंड करता है कि बाकी डेवलपमेंट और आबादी जो है उसके फ्लो पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 ब्लॉक्स में आप देख सकते हैं कि एंड यूज़र्स के घर बन रहे हैं, बाकी ब्लॉक्स की डेवलपमेंट चल रही है, तो इंशाल्लाह विद इन ईयर और 1.5 साल में आप देखेंगे कि जो इनका मेन कमर्शियल हब है उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। वकास, अब मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ताज़ रेजिडेंशियल के पेमेंट प्लान के बारे में, इनके बुकिंग प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, इसका बुकिंग प्रोसीजर क्या है, जिन्हें बुकिंग करवानी है तो किस प्रोसीजर के थ्रू वो बुकिंग करवा सकते हैं, और पेमेंट प्लान के बारे में इनकी बुकिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, और कितनी इनकी जो रेंजेस हैं प्राइजेस की डिफरेंट प्लॉट्स की, जो डिवेलप हैं उनकी भी और जो अभी बिल्कुल न्यू लॉन्च हुए हैं उनकी भी, तो अगर आप थोड़ी सी रेंजेस डिफाइन कर दें तो व्यूअर्स को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इनकी पेमेंट प्लान कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कितनी रेंजेस हैं, और इससे बिल्कुल ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप हमारे गिवन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ग्राफिकल फॉर्म में जो भी पेमेंट प्लान है वो शेयर भी कर देंगे, गाइड भी कर देंगे। 3 डिफरेंट हैं, जैसे पहले भी आपको बताया कि जो डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं वहाँ पे आपकी 30% डाउन पेमेंट है एंड रिमेनिंग 1.5 साल का प्लान है। जो सेमी डेवलप्ड हैं वहाँ पे आपकी 20% डाउन पेमेंट से बुकिंग है और रिमेनिंग आपका 2.5 साल का प्लान है। और जो अभी न्यू लॉन्च हुए हैं उनमें डाउन पेमेंट स्पेसिफाइड है, जिस तरह जो हमारा ब्लू बेल है उसमें 5 मरला की डाउन पेमेंट 6.5 लाख है और रिमेनिंग आपका 4 ईयर का क्वार्टरली पेमेंट प्लान बन जाता है। और जहाँ तक बात रही बुकिंग प्रोसीजर की, तो इंतहाई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर है, पेमेंट आपसे अकाउंट नंबर शेयर किया जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और जो आपकी डिटेल्स हमें रिक्वायर होंगी, एप्लीकेंट का आईडी कार्ड, नॉमिनी का आईडी कार्ड और एप्लीकेंट की पिक्चर, आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, आपका फॉर्म फिल करके हम सबमिट कर देंगे। अराउंड 30 to 40 days रिक्वायर होते हैं आपकी फ़ाइल कंप्लीट होके आपको डिलीवर होने में, तो इतने दिन में आपकी फ़ाइल आपको डिलीवर हो जाएगी। आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेवलपर्स के बारे में,
ठीक है, इसके डेवलपर्स कौन हैं जो इंटरव्यूअर्स नहीं जानते उनके बारे में, उनको बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए कि इनके डेवलपर्स कौन हैं, उन्होंने कौन से पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, इससे इस्लामाबाद में एक ट्रेडमार्क अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है सेंटोरस के नाम से, इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पे। सेंटोरस के जो ऑनर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये उन्हीं का ही सेकंड प्रोजेक्ट है और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पहला है ताज रेजिडेंशिया के नाम से, वही इसको डेवलप भी कर रहे हैं और वही इसको ऑन भी करते हैं। अच्छा वकास, अभी रिसेंटली इनकी एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर आई है जो सिर्फ अगस्त के मंथ के लिए ही है, इसके बारे में बताइए। जो डिस्काउंट ऑफर है वो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंटेज हैं अगर उनकी कोई इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं तो वो 31 अगस्त तक अगर अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करते हैं तो उस पर उनको 5% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप एडवांस पेमेंट, एडवांस इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो उसमें आपको 7% तक डिस्काउंट ऑफर किया गया है, लेकिन ये ऑफर 31 अगस्त तक वैलिड है। तो व्यूअर्स, ये थी ताज रेजिडेंशिया की एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी क्यूरीज थी, उनको हम सॉल्व करें, आप लोगों के सवाल के जवाब आते हैं। और भी किसी किस्म के आपके क्वेश्चंस हो आप हमसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स इसकी मौजूद है, तो हम आपको हमेशा हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा ताज रेजिडेंशिया की जो जनरल ओवरव्यू की वीडियोज़ हैं वो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और मज़ीद किसी किस्म की भी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हों, टू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड आस्क अस, वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू। एंड इंशाल्लाह इन आर नेक्स्ट वीडियो आप मज़ीद ताज के बारे में कुछ डिटेल्स देख सकेंगे, आप जो भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म की क्वेरीज हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अमानत.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।